हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो जीएस ब्रह्मास्त्र क्लास पढ़ रहे थे उसके क्लास नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उन क्लासों को देखे, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन से आज का, एका आंदोलन के नेता कौन थे? एका आंदोलन के नेता कौन थे? वासुदेव थे, भगत सिंह थे, मदारी पासी थे, गडकरी थे। जबकि कोल्हापुर महाराष्ट्र जो कोल्हापुर आंदोलन हुआ था उससे गडकरी थे। जबकि एका आंदोलन के जो थे, एका आंदोलन के, वो मदारी पासी थे। कौन थे? मदारी पासी थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मृदा का मृत कार्बनिक घटक क्या कहलाता है? मृदा का जो मृतक कार्बनिक घटक जो होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पद्मा नदी किस देश में बहती है? पद्मा नदी जो होती वो किस देश में बहती? म्यांमार में, जर्मनी में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में? तो पद्मा नदी जो होती ये आपके बांग्लादेश में बहती। कहां बहती? बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में पद्मा नदी बहती है। पद्मा नदी क्या होती है? जब ब्रह्मपुत्र और भागीरथी नदी जिसे गंगा कहते हैं, दोनों की जो संयुक्त धारा होती है उसे पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। जबकि भागीरथी को बांग्लादेश में मेघना कहते हैं। जबकि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी होती उसे जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ईसाई पद्धत में 10^-21 उपसर्ग क्या है? एक्सा होता, जेप्टो होता, जीटा होता, फेम्टो होता। तो उसे क्या कहते हैं? जेप्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? 10^-21 जो होता उसे जेप्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? जेप्टो कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जीवन स्मृत पुस्तक किसने लिखी थी? तो जीवन स्मृत जो पुस्तक है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। इनकी गीतांजलि भी होती। कौन सी गीतांजलि? जिसके लिए 1913 में इन्हें हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। वो एक ही एक से भारतीय है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पॉल डिराक द्वारा, रॉबर्ट बिल्केन द्वारा, क्रिस्टियन ह्यूजेंस के द्वारा कि होमी जहांगीर भाभी के द्वारा? होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत जो है वो क्रिस्टियन ह्यूजेंस के द्वारा क्या प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता? तो आप सभी लोग जानते हैं 5 वर्ष होता। कितना होता? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता? 5 वर्ष होता। कितना होता? 5 वर्ष होता। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं तो इनका कार्यकाल कितना होता? 5 वर्ष होता। कितना होता? 5 वर्ष होता है। कितना होता? 5 वर्ष होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है, तो भारत के राष्ट्रपति की जो कार्यकाल की बात की गई है वो अनुच्छेद किस में बात की गई है? अनुच्छेद किस में बात की गई है? तो अनुच्छेद जो होता है 56 जो होता है उसमें भारत के राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है। जबकि अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है, 53 में क्या कहा गया है? 53 में कहा गया है, 53 में जो कहा गया है वो कहा गया है कि कार्यपालिका की जो शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। जबकि 54 में कहा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई। निर्वाचक में क्या होता है? राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा और प्लस विधानसभा के और दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। जबकि आपके 55 में क्या होता है? 55 में निर्वाचन प्रक्रिया की बात की गई है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है। जबकि 57 में उनकी क्या होते हैं? राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। जबकि 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं और उनकी शर्तें हैं। और 59 में उनकी क्या होती हैं? 59 में जो उनके वेतन और भत्ते होते हैं, क्या होते हैं? इनके वेतन और भत्ते होते हैं। जबकि 60 में राष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान होता है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है। ठीक है,
तो उसके बाद में अगला है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल पूछोगे वो कितना होता, वो 4 वर्ष होता है। कितना होता, 4 वर्ष होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे होता, चित्रकला से, नाटकों से, संगीत से, मंदिरों से। तो इनका संबंध होता मंदिरों से होता। किससे होता, मंदिरों से होता। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू की ने की थी। किसने की थी, अंतरिम सरकार 1946 में जो बनती है उसकी अध्यक्षता जो है, कैबिनेट की अध्यक्षता वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धतियां, निज और एक और कौन सी होती, यार्न होती, रैयत होती। तो और कौन सी होती थी, वो रैयत होती थी। कौन होती थी, रैयत होती थी पद्धति। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सी आर आर का पूर्ण रूप क्या होता है, कैश रिजर्व रिपोर्ट होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैजुअल रिजर्व रेशियो होता है कि काउंटर रिजर्व रेशियो होता है। तो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि आपका पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होने चाहिए, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ठीक है, और भारत का नागरिक हो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सामान्य तौर पर किसके द्वारा पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाया जाता है, ट्रैक हिट्स के द्वारा, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, वेसल के द्वारा। तो किसके द्वारा ले जाया जाता, फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ को ले जाया जाता है, जबकि जल को जाइलम के द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। पत्तियों में जो जल को पौधे के भागों में अन्य भागों से ले जाया जाता है वो जाइलम के द्वारा, जबकि खाद्य पदार्थों की, खनिज पदार्थों की बात होगी तो फ्लोएम के द्वारा ले जाया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह किस स्थान पर हुआ था, दुर्गापुर, आसनसोल, कोल्हापुर, विधाननगर में। तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जापान की खाई किस महासागर में स्थित है, तो जापान पड़ता किधर है, जापान जो होता है पूर्वी प्रशांत महासागर में पड़ता है। कहां पड़ता, पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, यमुना नदी कहां पर गंगा में मिलती है, यमुना नदी जबकि निकलती कहां से है, यमुना नदी जो होती है आपके यमुनोत्री से निकलती, कहां से निकलती, यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, जबकि ये इलाहाबाद के पास में, इलाहाबाद के संगम पे क्या होता है, ये गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी जो होती है गंगा की सबसे लंबी नदी होती है, सबसे लंबी सहायक नदी जो होती है वो यमुना नदी होती है, ठीक है। और ये दाएं तट पर जो गंगा नदी से मिलती है उनमें आपकी यमुना, सोन और टोन नदी मिलती है, जबकि बाएं तट पे इसमें जो यमुना गंगा नदी में मिलती है वो आपकी गोमती होती, घाघरा होती, कोसी होती, महानंदा, रामगंगा होती, गंडक होती, बूढ़ी होती, गंडक होती और बागमती होती। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थॉमस गोल्ड ने, जॉर्ज लेमेंतेरे ने, हैरी हेस ने, अल्फ्रेड वैगनर ने किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत आप जानते हैं जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। किसने प्रतिपादन किया था, जॉर्ज लेमेंतेरे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद में पक्का अथवा कालगम जम जाता है, यह किन तंतुओं का एक जाल होता है, लिम्फ का होता है, विली का होता है, फाइब्रिन्स का होता है, प्लेटलेट का होता है। तो यह किसका जाल होता है, तो ये जाल होता है फाइब्रिन्स का होता है। किसका होता है, फाइब्रिन्स का होता है। जब हमें कट या चोट जाते हैं तो वहां पर एक थक्का टाइप का क्या होता है, पक्का काल जैम जो जम जाता है वो किसका होता है, वो फाइब्रिन्स का होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? जहांगीर द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा, दारा शिकोह द्वारा? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो होता है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के द्वारा आगरा के ताजमहल का भी निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है गोल्ड, रिंग, ट्रैक, डायमंड? तो इसे रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्सिंग खेल के लिए जो स्थान होता है उसे रिंग कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच में पाया जाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र होता, मेसोफिल होता, अंतस्थ होता, गुदा होता? तो उसे क्या कहते हैं? मेसोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोफिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या होती है कितनी होती है? 545 होती है। कितनी होती है? 545 होती है। जबकि 2030 में कितनी हो जाएगी? 550 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का संविधान क्रियान्वयन कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं क्रियान्वयन जब हुआ था, भारत का संविधान कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जबकि बनकर तैयार जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन हमारे क्या होते, 26 नवंबर 1949 को क्या होते, 16 अनुच्छेद क्या होते हैं, लागू कर दिए जाते, जैसे नागरिकता ये सब लागू कर दिए जाते, जबकि आपके मौलिक अधिकार कुछ लागू कर दिए जाते हैं, जबकि बाकी शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता। इसी दिन क्या होता, भारत गणतंत्र बनता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है और इसी दिन क्या होते, हमारे संविधान पे हस्ताक्षर होते। 24 जनवरी 1950 को क्या होता, राष्ट्रीय झंडा जैसे है, इन सब चीजों को क्या किया जाता है, इन सब चीजों को क्या किया जाता है, इन सब चीजों को शामिल किया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर, मीटर एम्पियर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कि मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है? तो धारा घनत्व का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता? तो 1966 में हरित क्रांति का जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनसे धान और गेहूं की फसलें दो ही इनके खाद्य पदार्थों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग किया। जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह आप जानते हैं चेन्नई का जब होती है, जबकि एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया। किसका? एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एम ए चिदंबरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में, चेन्नई में? तो एम ए चिदंबरम जो है, जो स्टेडियम है, ये चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा था? तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड? तो उत्तराखंड भी 2000 में बना था। ठीक है, तो आपका कौन सा बना था? ये आपका तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को, कब? 2 जून 2014 को बना था। तो ये सबसे नया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो हमने बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, और जबकि इनकी अनुकृत जीवन जो है, इनकी भी रचना है, गीतांजलि भी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास हमारी समाप्त होती है। आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।